तो इस वीडियो में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बैक में कहाँ कहाँ चेंज आ गया है। अगर ये कैमरा फोकस कर पा रहा है तो ये देखो, ये यहाँ से कितनी बढ़िया शेप आ रही है, वी बन रही है। क्या ये शेप वहाँ से नज़र आ रही है? मुझे आ रही है शेप, ये नज़र कम आ रही है ना? पर दोनों चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। और यहीं पे इसी की वजह से जिसको सारा वेट आ रहा है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। गर्दन सीधी रखो, सीधी सीधी सीधी। अगर हम कैमरे से देखने की कोशिश करें तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ की विंग, ये जो लेफ्ट साइड की विंग है, ये ज़्यादा लंबी है, राइट साइड की विंग छोटी है। इम्बैलेंस हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि इसका जो पोस्चर है वो राइट की तरफ झुक रहा है, ये है इसका इम्बैलेंस। इसी की वजह से अगर आप गर्दन की तरफ भी देखेंगे, ये गर्दन की तरफ देखेंगे, ये छोटी नज़र आ रही है, ये लंबी नज़र आ रही है। ये वी इस तरह से बन रहा है और ये वी इस तरफ बन रहा है। तो यानी कि स्पाइन में देखें, इसके आसपास आके देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हल्का सा नज़र आ रहा है और ये स्पाइन की इस गर्दन की बीच लाइन में नहीं आ रहा, जबकि ये इस बीच लाइन में यहाँ पे आना चाहिए। अब इसके लिए क्या है कारण? बहुत सारे लोग मुझसे यूट्यूब पे भी पूछते हैं कि सवाल बता, जवाब बता, क्या एक्सरसाइज से ठीक होगा? एक्सरसाइज से भी बेटर हो सकता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है इसके पाँव में। पाँव में कहाँ दिक्कत है जीन्स ऊपर करना? अब देखो, पाँव से भी पता चल रहा है कि उल्टा पाँव पतला है और सीधे पाँव पे ही सारा वजन डाल रहा है। जब तक हम इसके पाँव को बैलेंस नहीं करेंगे, ये चीज़ हम पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम पेशेंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दिक्कत आपके पाँव की वजह से है, ये पूरा अलाइनमेंट पाँव की वजह से ही हिप तक जाएंगे, हिप से ऊपर होते होते गर्दन तक जाएंगे, तब ये इसका सही से इलाज, बैलेंस इलाज हो पाएगा। एक छोटी सी वीडियो है, आप सब लोग शेयर करें, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उनसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।